कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ में टीएमटी और अन्य मंडियों में किस तरीके से टीएमटी के भाव चल रहे हैं। इसके अंतर्गत भारतम कामधेनु K2 ज्योति टीएमटी के भाव की आपको जानकारी देंगे। तो टीएमटी के भाव में आप देखेंगे एक जबरदस्त बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। भारतम टीएमटी का भाव 53,100 रुपये तक बाजारों में कामकाज हुआ। कामधेनु टीएमटी की अगर बात करेंगे तो 60,501 रुपये भाव बोला गया। K2 का भाव 58,631 रुपये रहा। ज्योति का भाव टीएमटी का भाव 59,012 रुपये रहा। फॉर्चून टीएमटी का भाव 61,999 रुपये। प्रबल टीएमटी की अगर बात करेंगे 59,601 रुपये में भाव रहा। दोआबा टीएमटी का भाव 65,000 रुपये। दीपक टीएमटी की अगर बात कर लेते हैं तो 52,800 रुपये कामकाज हुआ। जय भारत टीएमटी का भाव 57,800 रुपये। शेरे पंजाब टीएमटी का भाव 60,511 रुपये रहा। अंबा टीएमटी का भाव 57,500 रुपये बाजारों में कामकाज रहा। तो बाजारों में सभी टीएमटी के भाव में आप देखेंगे लगभग 500 से 600 रुपए प्रति टन के हिसाब से। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। प्रति टन के हिसाब से बढ़त दर्ज करी जा रही है। अब जान लेते हैं मंडी गोविंदगढ़ में MS सिंगट का भाव 48,200 रुपए 700 रुपए की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। लेकिन ऊपरी स्तर पर सरिया के भाव में भी आप लोग सतर्क रहिए और मुनाफा वसूली करते हुए ऊपरी स्तर में जरूर चलिए। MS स्क्रैप का भाव 37,100 रुपए लगातार आप लोग देख रहे हैं कि निचले स्तर से लगभग आप 34 रुपए के स्तर से MS स्क्रैप में भी खरीदारी की सलाह दी थी और साथ ही सरिया के भाव में भी आप लोगों को निचले स्तर से खरीदारी की सलाह दी थी। वहां से लगभग 3,000 से 4,000 रुपए प्रति टन की जबरदस्त एक बढ़त बाजारों में देखी जा रही है। ऊपरी स्तर पर आप लोग समय समय पर अपनी मुनाफा वसूली करिए और बाजारों में कहीं पर गिरावट आएगी फिर वहां पर आप खरीदारी करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।